नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत सदेवा तुहानू सारा लैके आया फाजिलका के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जिथे अज डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल फाजिलका के नौजवान MLA नरेंद्रपाल सिंह सवना वालों एक वैन रवाना की जा रही है जो कि सरकारी स्कूलों में दाखले लिए रवाना की जा रही है। तुसीं देख सकते हो कि फाजिलका दे MLA नरेंद्रपाल सिंह सवना जी दे नाल डॉक्टर सेनू दुग्गल डिप्टी कमिश्नर फाजिलका ते DEO डॉक्टर SS बल भी मौजूद ने, डिप्टी DO अंगे जी भी मौजूद ने जो कि हुण इस वैन नूं रवाना करनगे। ये वैन सरकारी स्कूलों के दाखले का सुनेहा लैके रवाना की जा रही है। इस दे जरिए ये जानकारी दी जाएगी कि फाजिलका के जो सरकारी स्कूल ने उन्होंने सुविधावान बच्चों दिखाई जा रही ने। रवानगी तो पहले तुम देख सकते हो कि DEO डॉक्टर SS बल वालों वैन बारे तो सरकारी स्कूलों बारे जी मुढ़ली जानकारी है वो मैडम डॉक्टर सेनू दुग्गल ने दी जा रही है। देख सकते हो कि मैडम वालों तो MLA सवना जी वालों साझे तौर पर एक हरी झंडी दिखा के उस वैन को रवाना किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के दाखले का एक आगाज किया जा रहा है। ये पिंड शहर के अलग अलग इलाके जाके मापिया उन्होंने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने लिए प्रेरित कर रही मेगा PTM जिस 19 लाख मापिया ने की शमूलियत सरकारी स्कूलों का घर घर चर्चा कि ना कोई खर्चा दफ्तर जिला सिक्ख्या दफ्तर हम गल करने की कोशिश करांगे MLA नरेंद्र सवना जी के नाल डिप्टी कमिश्नर मैडम डॉक्टर सेनू दुग्गल जी के नाल कि इस वैन का की मनोरथ है ते किस हद तक इनकी कामयाबी की आप उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार मैम, मैम जी अज वैन रवाना की गई की मनोरथ है जी उनका? पंजाब सरकार का भगवंत मान सरकार जी का जिस तरह का दिशा निर्देश है उन्होंने जी फ्लैगशिप स्कीम्स है जिसे एजुकेशन इज़ वन ऑफ दैम। एजुकेशन के हिसाब न असी सारी पंजाब अज फ्लैग ऑफ की है। फर्स्ट टू 12th क्लास सारी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन एडमिशन होगी और सारिया जी फिजिकल एडमिशन पहले होगी सारा ऑनलाइन एडमिशन। मैम जो एक्स्ट्रा प्रयास किए जा रहे हैं कि लगता है कि वाकई आप उस लीह तक पहुँच चुके हैं जिड़े कि आप प्राइवेट स्कूलों को मात दे सकते हैं? देखो दिन पर दिन जिनी देर की भी सरकार आई है वो एजुकेशन उन्हों का मेन हो रहा है मुद्दा रहा है। एजुकेशन के हिसाब न सारे स्कूल असी स्कूल ऑफ एमिनेंस भी हम बना रहे हैं, सारे बच्चों ऑनलाइन सारा सिखा रहे हैं। तो प्रिंसिपल बार सिंगापुर जाके भी ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो सारे हौली हौली करके और एक दिन सफलता का जरूर मिलती रहती है और आने वाली पीढ़ी ये बहुत जरूरी भी है। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो बनाए जा रहे हैं एक की खास की है इन्होंने कि आप आम मापियां आम भाषा भी समझा सकी? मैम जिस तरह बेस्ट स्कूल्स हैं बेस्ट स्कूल्स हर एक चीज़ ही फर्स्ट क्लास होएगी। उन्हें स्कूल ऑफ एमिनेंस जिन्हें भी जोड़े टीचर्स होंगे टीचर्स बहुत वधिया होंगे, स्कूल की जिहड़ी हाईटेक क्लासरूम्स होंगे, क्लासरूम्स जो लैब्स होंगे वो हाईटेक होंगे, प्लेग्राउंड्स होंगे, एवरीथिंग विल बी देयर, सारा कुछ होगा। मतलब एक बहुत वड्डा बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। देखो आने वाली पीढ़ी लिए बच्चों लिए बहुत वड्डी चीज है, सरकारी स्कूलों चाहे जिहड़ियां चीज़ां होनी बहुत वड्डी चीज है। थैंक यू मैम। MLA साहब नमस्कार जी। दो शब्द तुसी भी अज जिहड़ा सरकारी स्कूलों लैके एक दाखले का आगाज किया गया की कहना चाहोगे? देखो जी जदों चोणा सी चोणा वेले असी सारे हल्के दे विच जाके साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, साडे दिल्ली दे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सारे पंजाब दे लोगों नाल वादा किया सी कि जदों आम लोगों की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनेगी तां स्कूलों दे जो पढ़ाई का पद्धर है उपर चक्या जाएगा, प्राइवेट स्कूलों तो वधिया जिहड़ी पढ़ाई
सरकारी स्कूलों के दिती जाएगी। उस तहत हुण जिहड़ा वेखो तुसीं स्कूलों के जिहड़े हालत वेखो बहुत कस्ता हुंदी सी उन्हां स्कूलों के विच सारे पंजाब के स्कूलों नूं जिहड़ा नवें सिरों बनाउण दी जिथे वेखो कमरियां दी घाट सी बाथरूमां दी घाट सी बच्चों नूं बैठण लई बेंच नहीं सी वो सारिया कमियां दूर कीतियां जा रही हैं। और अज जो एडमिशन लई वैन रवाना की गई है सारे पंजाब दे विच अज एडमिशन लई वख वख हल्कियां तों और साढ़े माननीय सिक्ख्या मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे विच ये सारिया वैना तोरियां जा रही ने। और अज तो जिहड़ी प्री प्राइमरी तो लैके 12वीं तक ऑनलाइन भी जिहड़ी एडमिशन है ऑफलाइन भी है जिहड़ी शुरू हो चुकी है। और इस दे नाल तुसीं ये वेखो साढ़े फाजिलका हल्के की गल करिए तकरीबन 3 करोड़ तो वध दा जिहड़ा स्कूलों का जिहड़ा सुधार लई जिहड़ा पंजाब सरकार ने साढ़े माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने साढ़े फाजिलका हल्के लई जिहड़ा फंड रिलीज़ किया मैं उन्हां दा बहुत धन्यवाद करदा। और जिहड़ा सब नालों पहला जिहड़ा स्कूल ऑफ एमिनेंस साडा फाजिलका शहर का गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल जिहड़ा असी उन्होंने चूज़ किया वो जिहड़ा असी प्राइवेट स्कूलों के नालों बहुत वधिया जिहड़ा बनावांगे शानदार बनावांगे जिथे टेस्ट के आधार पर एडमिशन होणगियां। और तुसीं वेखियो इलाके दे जिहड़े बच्चे प्राइवेट स्कूलों के विच जिहड़े मापे अपने बच्चों नूं प्राइवेट स्कूलों के विच पढ़ा रहे ने महंगीआं फीसां भर के अपने बच्चों नूं पढ़ा रहे ने वो इस बार जो ये हुण पढ़ाई दे विच स्कूल ऑफ एमिनेंस दे जिहड़ा शुरुआत की गई है वो नाल तुसीं वेखियो प्राइवेट स्कूलों की बजाय हुण मापे अपने बच्चों सरकारी स्कूलों के विच दाखले दवाउणगे और पढ़ाई का म्यार बहुत उच्चा जिहड़ा साढ़े पंजाब दे विच चुकिया जा रहा है। जिवें दिल्ली दे विच लोग अपने बच्चों नूं प्राइवेट स्कूलों तो हटा के सरकारी स्कूलों के विच पढ़ाउण लग गए उस तरह पंजाब दे विच भी तुसीं 5 सालों के विच वेखो बहुत वड्डा बदलाव हो गया। एमएलए साहब कितने ना कितने जाके विरोधियों के निशाने पर आम आदमी पार्टी किस तरह दे देखो विरोधियों का काम है जो भी काम करना सरकार ने उहदे विच नुक्ताचीनी नहीं करनी विरोधियों ने कुछ करना होंदा तां वेखो 70 साल जिहड़ियां दूसरियां सरकारां रहियां ने कांग्रेस दीआं रहियां ने अकाली दल भाजपा दीआं सरकारां रहियां ने जे कुछ उन्होंने करना होंदा उस टाइम कर लैंदे बहुत वड्डा मौका सी उन्हां कोल लगातार वेखो मैं 50 साल के करीब जिहड़ी सरकार वेखो कांग्रेस की रही है पंजाब दे विच और 30 साल दे विच वेखो तुसीं अकाली दल की भी सरकार रही है होर भी सरकार रही ने बहुत वड्डा मौका सी उन्हां कोल जिहड़े वड्डे वड्डियां गल्लां करदे ने सरकार जिहड़ी चंगे काम कर रही है उन्हां दी कमियां कढ़दे ने ते उदों जदों मौका सी तुहाडे कोल बहुत वड्डा मौका सी लोगों ने बहुत वड्डियां सीटां जिता के कांग्रेस और अकाली दल भाजपा की सरकारां बनाईआं सी जदों उन्हां दे साइनां दी लोड़ सी अज वेखो वड्डे बादल साहब अज साइन कर रहे ने मंगा मंग रहे ने जदों उन्हां दे साइनां दी जदों कीमत पैंदी सी उदों साइन क्यों नहीं करदे सी उदों ये पढ़ाई का म्यार उच्चा क्यों नहीं चुकदे सी उह जिहड़े सानूं सलाह दिंदे ने उदों सरकार दे विच सारे मुख्यमंत्री दे उदों क्यों ना कीता अज वेखो साडे माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी चाहे सेहत का खेत्र है चाहे पढ़ाई का खेत्र है कोई भी खेत्र लै लो चाहे व्यापारियों की गल है चाहे किसानों की है बहुत वधिया शानदार काम कर रहे हैं। और नुक्ताचीनी नाल सानू कोई फर्क नहीं पैण वाला लोग सब जानते हैं पंजाब के लोग बहुत खुश ने पंजाब की आम आदमी पार्टी जिन्हें वादे इरादे किए गए चाहे वह सेहत को लैके चाहे शिक्षा लैके से उन्होंने वादे इरादों को किस हद तक पूरा किया जाए किन्ने संतुष्ट हो तुम अपनी सरकार ने असं बहुत वाला जोड़ा वादा पूरा किया उसकी गरंटी जी बिजली 600 यूनिट आम ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆਇਆ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੋੜਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੜਚਨਾ ਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਦਾਨ ਖੁਲਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕੋਲਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੁੜੇ ਨੇ DO ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਹਿਤ ਕੇਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ।